जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो SSC GT 2021, तो आप लोगों का हम इस बार बताने वाले जो है कट ऑफ के बारे में। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने दो वीडियो बनाया है। एक तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाया हूँ जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, जो आप ऐसा देख सकते हैं जो कट ऑफ अलग अलग पोस्टों की अलग अलग कट ऑफ गई है, क्यों गई है वो पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग प्रेफरेंस किस तरीके से ले रहे हैं। तो प्रेफरेंस यदि आप पहले लेते हैं, ज़्यादा लोग लेते हैं, तो उस कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। उस वीडियो को जरूर देख लें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ में यदि वो यूपी के, तो यूपी का भी कट ऑफ आप लोगों को हम पूरा बाकायदा लिख के आप लोगों को समझा दिए हैं। उसका भी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो आज का मैं स्टेट जो कवर करने वाला हूँ आपका हरियाणा है, यानी हरियाणा के जो कट ऑफ बनी है इस बार 2018 में और 2021 में क्या रह सकती है, उसको आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है 2021 में। 2018 के कट ऑफ है आपकी फिजिकल कट ऑफ है और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, दोनों में अंदर आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्या हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बॉर्डर और नक्सल एरिया की कोई यहाँ पर कट ऑफ नहीं बनाई गई थी, ना इसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, बस केवल जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों का ही सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आपके यहाँ पर एससी ईएसए मतलब होता है एक्स सर्विस मैन और ओबीसी और आपकी जनरल यानी कि एसटी कास्ट की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं थी हरियाणा में। ये आपकी फिजिकल कट ऑफ थी, जब आप लोगों का रिटन एग्जाम हुआ था उसके बाद आप लोगों का फिजिकल हुआ था, तो फिजिकल में कट ऑफ आप लोगों की ये बनी थी। फिजिकल के लिए कट ऑफ आप लोगों को जो बनी एससी वालों की आपका 71.76 बना था, एक्स सर्विस मैन का जो कट ऑफ बना था 37.45 बना था, ओबीसी की जो कट ऑफ बनी 77.65 बना था, और जो जनरल की कट ऑफ बनी थी वो आपका 80.73 आपकी जनरल जो आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ बनी थी। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हुआ, फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की मेडिकल भी हुआ, मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए ये कट ऑफ बनी है। जैसे कि जिन लोगों का बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, तो एससी वालों का जो बीएसएफ में कट ऑफ बनी है 79.21 बना है, ओबीसी वालों का बीएसएफ में जो कट ऑफ बनी 86.17 बना है, जनरल की जो कट ऑफ बनी है बीएसएफ में वो 88.15 बना है, और एससी का जो कट ऑफ बनी सीआईएसएफ में 83.39 बना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के जो कट ऑफ बने सीआईएसएफ में 45.61 बना है, और ओबीसी की जो कट ऑफ बनी सीआईएसएफ में 89.37 बना है, और जो जनरल कट ऑफ बनी है सीआईएसएफ में वो 92.05 बना है। उसके बाद एससी के जो कट ऑफ बने सीआरपीएफ में 80.57 बना है, ओबीसी की जो कट ऑफ बनी सीआरपीएफ में वो आपके 87.06 बना है, और जनरल की जो कट ऑफ बनी है सीआरपीएफ में 88.56 बना है। जो एससी कट ऑफ बनी एसएसबी में वो 79.73 बना है, उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ बनी एसएसबी में 86.78 बना है, उसके बाद जो जनरल कट ऑफ बनी एसएसबी में वो आपकी 88.50 बना हुआ है, उसके बाद जो एससी की जो कट ऑफ बनी आईटीबीपी में वो आपकी 79.15 बना है, उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ बनी आईटीबीपी में आपकी 87.23 बना है, उसके बाद जो जनरल कट ऑफ बनी आईटीबीपी में 88.09 बना है, जिस और एससी की जो कट ऑफ बनी है एआर का मतलब होता है आसाम राइफल, आसाम राइफल की जो कट ऑफ बनी 78.97 बना है, ओबीसी की जो कट ऑफ बनी एआर में आपकी 85.96 बना है, और जो कि जनरल की कट ऑफ जो बनी है आसाम राइफल 87.87 आप लोगों का कट ऑफ बना है। जैसे कि एसटी वालों की कट ऑफ तो आप लोगों की जो वैकेंसी था ही नहीं, तो एससी वालों को था ही नहीं, ओबीसी जो आपके एक्स सर्विसमैन वाले केवल यहाँ पर कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि यहाँ पर सीआईएसएफ में अतर में भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों का वैकेंसी खाली रह गई इस बार। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब आप लोगों की ये कट ऑफ बनी, आप जब अंदाजा लगा सकते हैं कि एससी मान लेते हैं कि एससी की जो कट ऑफ बनी थी फिजिकल के लिए 71 बनी थी, उसके बाद आप कहीं वहीं नहीं देख कहीं भी आप नहीं देख सकते हैं जो इसके आसपास कट ऑफ बनी हो, यानी 71 बना, उसके बाद मान लेते बीएसएफ में तो 79 बना, कितना ज़्यादा अंतर, 8-8 नंबर का अंतर है। इसमें एक्स सर्विसमैन की बात छोड़ते हैं, ओबीसी वालों की यहाँ पर 77 बना था, यहाँ कितना बना 86 बना, देखो 9-9 नंबर आपके नंबर बढ़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जनरल की जो कट ऑफ बनी है 80 बना है, और कहीं भी 88, 92, 88, 88, 87, 8-8 नंबर, 7-7 नंबर आप लोगों के इसमें बढ़े हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ये कट ऑफ में क्यों अंतर होता है कि किसी में 79 बन गया, किसी में 88 बन गया, किसी में 83 बन गया। देखिए इस बार जो पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर सबसे पहले सीआईएसएफ वालों को दिए थे, ठीक है, सीआईएसएफ वालों के 70% में, मानो 70 से ज़्यादा ही होगा, 80% लोग जो इस बार प्रेफरेंस जब भरे, आप लोग फॉर्म भरते हैं तो प्रेफरेंस आप सबसे पहले सीआईएसएफ वालों को बहुत सारे लोगों ने दिया। इसी वजह से हर सभी स्टेटों में
जो सियासत कटा काफ़ी ज़्यादा चली गई, इस हिसाब से देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से बनना चाहिए, आप लोगों को मैंने वीडियो में बता दिया, उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।